हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ हैं उसका जो पार्ट 6 है। इससे पहले जो हमारे पार्ट 5 आ गए हैं जिसमें हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो हमारे एमसीक्यूज़ जो आते हैं जैसे आते हैं और जिसके रिलेटेड आते हैं और जो इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों के कम्बिनेशन से हमने जो आपके लिए सारा प्रेजेंटेशन तैयार की है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज जो हमारा है पार्ट 6। इससे पहले जो हमारे पार्ट 5 आ गए हैं इसका आप लिंक हमारे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं नीचे, तो वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट का हम वहाँ पे लिंक डाल देंगे, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारा है 81 प्रश्न। एक बात और, इससे पहले जो हमारे पार्ट 5 आए हैं उनमें जो हमारे 80 क्वेश्चन हो चुके हैं, आज जो हमारा है 81 क्वेश्चन है और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो जिन्होंने अभी तक बाकी के 80 क्वेश्चंस नहीं किए हैं, जैसे मान लीजिए आगे एग्ज़ाम्स कौन कौन से आएंगे, जो हमारे SSSB की बोर्ड से जिसे हम PSSB भी कहते हैं, एक आएगा हमारे पास ECGCPO और आएगा हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास RBI ग्रेड बी का भी आएगा, या और भी जो हमारे आगे जो PPSC के भी आते हैं, जैसे जिनमें कंप्यूटर आता है तो उनमें ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस हैं, तो आपको एक बार पढ़ के ही सीधा वहाँ पे आंसर आ जाएंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, डैश पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई एन मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। इन्होंने क्या कहा है, डैश पावर पॉइंट फीचर मतलब क्या है, डैश में हमने अपनी तरफ से बताना है, पावर पॉइंट फीचर विल यू सी यू अप्लाई मोशन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ स्लाइड। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की स्लाइड के ऊपर या मान लीजिए उस पे हमने जो अलग अलग मोशन इफेक्ट्स अप्लाई करने हैं वो कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है, वो कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है। इसका हमारा आंसर है सी, एनिमेशन स्कीम। इसके साथ हम जो हम अप्लाई कर सकते हैं मोशन इफेक्ट्स किस पे कर सकते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, किसकी स्लाइड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, प्रेस व्हाट टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द राइट। उन्होंने क्या कहा है, कौन से की के साथ जब हम कुछ भी डिलीट करते हैं तो वो राइट की तरफ को, मान लीजिए दो तरफ को डिलीट होता है, एक लेफ्ट की तरफ एक होता है हमारा राइट की तरफ, तो वो किसकी तरफ डिलीट होगा। इसके दो प्रश्न बनते हैं, पहले इसका उत्तर जान लें क्या है। जो हमारा राइट की तरफ को डिलीट करता है वो है हमारा डिलीट की, क्या है हमारा डिलीट की, और जो हमारा सिंपली एक मिनट इरेजर ले लें, हाँ जी, जो हमारा सिंपली जो लेफ्ट की तरफ हमारा डिलीट करता है बटन वो है हमारा बैक स्पेस, क्या है हमारा बैक स्पेस, वो हमारी ऐसे एरो बनी होती है उस पे बटन पे, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल डिलीट कर सकते हैं कुछ भी। तो जो हमारा ये प्रश्न है, कौन सा है राइट की तरफ कौन सा बटन जो डिलीट करता है, डिलीट बटन जो है हमारा राइट की बटन से डिलीट करता है, ये हमारा प्रश्न आता है। बैक स्पेस के साथ हम लेफ्ट साइड की तरफ और जो हमारा राइट साइड की तरफ जिस कौन सा बटन है, डिलीट के साथ, डिलीट के साथ हमारा राइट साइड की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम, डैश इज द टर्म यूज व्हेन अ क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फेसेस। उन्होंने क्या कहा है, डैश इज अ टर्म, ये एक टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, कब करते हैं, जब क्लिप आर्ट इमेज चेंजेस में जो डायरेक्शन की फेसेस है उसको चेंज करना हो, किसको चेंज करना हो, जो हमारी डायरेक्शन है फेसेस की उसको चेंज करना हो। तो इसका जो हमारा एक मिनट, हाँ जी, तो इसका जो हमारा इसका उत्तर है, देखिए सबसे पहले बी पार्ट है हमारा कौन सा है, रोटेट। रोटेट की सहायता से हम, रोटेट इज अ टर्म, इसमें जो हमारा डैश की में आएगा रोटेट, रोटेट इज अ टर्म यूज्ड व्हेन अ क्लिप आर्ट यूजिंग जो क्लिप आर्ट इमेज यू चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द फेस, कौन सी सहायता के साथ करते हैं हम, रोटेट की सहायता के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 84th, टू मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड द शॉर्टकट की इज। जब हमने कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना हो, बोल्ड का मतलब पहले समझिए बोल्ड होता क्या है, बोल्ड होता है जैसे मान लीजिए हमने सिंपल कुछ भी लिखा है जिसे हम टेक्स्ट कहते हैं, कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कुछ भी लिखते हैं तो टेक्स्ट है जो हमारा कंप्यूटर पे है,
तो मान लीजिए हमने 10 लाइनें लिखी हैं, बीच में से कोई चौथी या पांचवी हमने थोड़ी सी आप अलग दिखानी है बाकियों से, मान लीजिए उसको थोड़ा सा गूढ़ा दिखाना है ताकि सीधा उसकी जो भी उसे देखे उस पे ही निगाह पड़े। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। तो जहाँ पे देखिए हमारे नीचे के जो ऑप्शंस हैं, कंट्रोल प्लस बी हमारा डी पार्ट है, इसकी सहायता के साथ हम क्या कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड माने गूढ़ा कर सकते हैं। इसका हमने जो आपको शॉर्टकट कीज जो हमारी हैं जी, जो हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है एमएस वर्ड पावर पॉइंट एक्सेल वन वन नोट और हमारा जो दूसरा है पब्लिशर, इसके असेस है और हमारी फंक्शन कीज़ के साथ साथ हमारी बेसिक शॉर्टकट कीज़, तो हमने उस पर अलग से प्लेलिस्ट तैयार की है, सारों पे वीडियो बनाई है जो शॉर्टकट कीज़ हैं। कंट्रोल प्लस बी उसका पार्ट है, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस यू, सभी का सेम पार्ट है। तो आप वहाँ पे जाके हमारा चेक कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और एक बात, जैसे यहाँ पे कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं तो इटैलिक किसके साथ कर सकते हैं, इटैलिक करते हैं हम कंट्रोल प्लस आई के साथ। और जो हमारा नेक्स्ट है बी आई, और बचा क्या हमारा कंट्रोल यू, यू के साथ क्या करते हैं हम, इसके साथ कोई भी टेक्स्ट जो हमने लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम, जो टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल प्लस बी की सहायता के साथ अंडरलाइन कर बोल्ड कर सकते हैं, यू के साथ अंडरलाइन, आई के साथ इटैलिक। नेक्स्ट 85th प्रश्न, डैश कीज हेल्प्स टू मूव द एंड ऑफ लाइन, ये हमने भी शॉर्टकट की में बताया हुआ है पहले ही, क्या कहा है उन्होंने डैश की, मतलब कौन सी की जाए, मान लीजिए या नीचे दिए गई कीज में से किसकी सहायता के साथ हम, जो हम लाइन की एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, लाइन की एंड की तरफ मूव कर जाते हैं। हाँ जी, तो इसका जो हमारा आंसर है, जिन्होंने हमारी शॉर्टकट कीज की सभी वीडियोज देखी हुई हैं तो उसको सीधा ही देख के हमारा प्रश्न देख के आंसर पता लग गया होगा, इसका जो हमारा आंसर है सी पार्ट है एंड। एंड की के साथ हम जो भी हम लाइन लिख रहे हैं उसके हम अंत में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 86। डैश इज द एनिमेशन लाइक इफेक्ट्स दैट अकर इन स्लाइड शो व्यू व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट। हाँ जी, पहले इस लाइन को समझिए, उन्होंने क्या कहा है, डैश इज द एनिमेशन, मतलब कौन सी एनिमेशन या नीचे दिए गए में से कौन सी एनिमेशन, लाइक इफेक्ट्स के जो इफेक्ट्स की तरह है, दैट अगर इन द स्लाइड शो व्यू, जो हमारी स्लाइड शो व्यू में दिखता है या अकर होता है वहाँ पे, व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड नेक्स्ट, जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे मूव करते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर है हमारा है डी पार्ट, स्लाइड ट्रांजिशन की सहायता के साथ, एक एनिमेशन की सहायता है जिसकी सहायता के साथ हम कोई भी मान लीजिए जो इफेक्ट्स है जो स्लाइड शो में होते हैं वो हम स्लाइड ट्रांजिशन की सहायता के साथ, जब हम एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड को मूव करते हैं तो हम इसकी सहायता के साथ वहां पे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, 87th प्रश्न है। एक बात और, जिन्होंने अभी तक हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे आ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं या नोटिस आ रहे हैं या रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल आ रहे हैं, आज भी हमने दो एक डाला है, दूसरा एक डाला है हमने जो हमारी है आंसर की, कौन सी है हमारी आंसर की, जो पंजाब नैब तहसीलदार का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो हम एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं नंबर वन पे, एग्ज़ाम प्रिपेरेशन नंबर दो पे, जो कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है आपको साथ के साथ हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे यूट्यूब के चैनल पे और साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है आरएस लर्नर्स पे, तो इसको अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी हर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के पास ये नहीं पहुँच रहा वो भी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें हमारी वीडियो देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम 87th प्रश्न, 87th में क्या है हमारे पास, रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम, ये दो प्रश्न बनते हैं, जो पहले देखिए हमारा जो रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, क्या है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी। एक और होता है हमारे पास रैम, जिसका हमने पहले भी बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके साथ एक और प्रश्न बनता है जो हमारी रोम से रिलेटेड है, अगर कोई पूछ ले आपको रोम की टाइप्स के नाम बताइए तो कौन कौन से होते हैं, एक होता हमारे पास पी रोम,
फिर एक होता है हमारे पास ई रोम, फिर एक होता है हमारे पास ई ई रोम प्रोम। तो देखिए पहला हमारे पास प्रोम, फिर ई प्रोम, फिर ई ई प्रोम। फर्क क्या है? ये हमारा जो है रीड ऑनली मेमोरी है, ये इसका आंसर जो हमारा सी पार्ट है। ये क्या है हमारे पास? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। नेक्स्ट आता है हमारे पास उसके बाद इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो ये इसकी प्रकार है। तो अगर कोई पूछे तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोम, ई प्रोम और ई ई प्रोम। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम, इरेज कर दें इसको। हाँ जी, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है? प्रेस डैश टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। हाँ जी, हमने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था भी, किसकी सहायता के साथ हम जो भी हमारा डिलीट है वो किसकी तरफ, एक वर्ड डिलीट करते हैं हम लेफ्ट की तरफ, वो है हमारा बैक स्पेस। क्या है हमारा? बैक स्पेस। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारी पीछे वाली स्लाइड है उसमें देखिए, इसमें क्या था हमारे पास, ये रहा। अगर तो आपने सिंपली, हाँ जी, जहाँ पे रेड पेन से देखिए, जहाँ पे सिंपली अगर वो कह दे भी एक करेक्टर डिलीट करना है राइट की तरफ, तो हमारा क्या आएगा? डिलीट वर्ड। ये आपने बहुत ध्यान रखना है अच्छे से, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मान लीजिए हमारे पास ये पूछ ले भी सिर्फ डिलीट करना है, वो किसकी तरफ करना है हमने? लेफ्ट साइड की तरफ। तो उसमें क्या आंसर आएगा हमारा? बैक स्पेस। क्या आएगा हमारा आंसर जो है? बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आगे। हाँ जी, 89th प्रश्न है। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज कॉल्ड, जो हमारा सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे हम क्या कहते थे, उसे हम क्या कहते थे? तो इसका जो हमारा आंसर है, जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था उसे हम कहते हैं, वो हमारा है सी पार्ट, एनालिटिकल इंजन। क्या कहते हैं हम? एनालिटिकल इंजन। क्या कहते हैं? जो हमारा फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर है, ये भी बैबे साहब ने ही बनाया है, उधर से ही आया है। तो जो हमारा है इसका कौन सा, उसको क्या नाम दिया हुआ है? एनालिटिकल इंजन। क्या है? एनालिटिकल इंजन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन वाज, क्या कहा है उन्होंने? पहले प्रश्न को ध्यान से समझिए। फर्स्ट मशीन मतलब जो पहली मशीन जो सक्सेसफुली, मतलब जो सफल रही परफॉर्म करने में लॉन्ग सीरीज ऑफ अर्थमेटिक लॉजिकल कैलकुलेशन, जिसमें हम अर्थमेटिक और लॉजिकल दोनों तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उस मशीन का नाम बताएं। एक बार दोबारा से प्रश्न देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है, ये थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, देखिए ध्यान से। पहली मशीन वो कौन सी है जो सक्सेसफुली, मतलब जो सफल तरीके के साथ परफॉर्म कर रही है लॉन्ग सीरीज, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े जो हमारे अर्थमेटिक और हमारे लॉजिकल ऑपरेशन हैं उनको। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा, जो हमारा 90th प्रश्न है, 90th प्रश्न का आंसर है हमारा मार्क वन, वो हमारा सी पार्ट। तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक हमारा ये वाला प्रश्न, एक हमारा ये वाला प्रश्न, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ ले आपसे, अगर मान ले, एक मिनट इरेज कर दें, हाँ जी, अगर वो आपसे सिंपली मैकेनिकल कंप्यूटर पूछ ले तो आपने सीधा आंखें बंद करके एनालिटिकल इंजन लगा देना, आपका सही होगा। तो अगर मान लीजिए आपसे क्या पूछे, फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुल परफॉर्म है, मतलब क्या है, जो मशीन पूछे जो सक्सेसफुली, मतलब सफल तरीके के साथ जो कुछ भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो ऑपरेट करता है, वो कौन सा है? मार्क वन। हमने ये तभी इकट्ठा रखा है ताकि बच्चों को एक बार में ही समझ आ जाए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन, और जो हमारा फर्स्ट मशीन टू परफॉर्म है जिसके साथ हम बड़ी बड़ी अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो है हमारा मार्क वन। क्या है हमारा? मार्क वन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, 91 प्रश्न, देखिए ध्यान से। इन एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दी है उन्होंने इंट स्टार जेट, ये जो हमारा स्टार है इसको हम पॉइंटर कहते हैं वैसे मेनली, इंट स्टार जेट में। पहले आप इसको समझिए थोड़ा सा, ये है क्या हमारे पास, ये सी लैंग्वेज का जो पार्ट है। इंट होती है हमारे पास डाटा टाइप। क्या होती है हमारे पास? डाटा टाइप। इसमें ऐसा है, अगर मान लीजिए कोई भी आपसे पूछ ले डाटा टाइप क्या है सी लैंग्वेज में, तो आप सीधा बता सकते हैं इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, तीन तरह की होती है, तो यहाँ पे कौन सा? इंटीजर।
पर इन्होंने हमारे पास क्या पूछा है, विच वन इज अ पॉइंटर, पॉइंटर वेरिएबल नीचे दिए गए में से कौन सा है, क्या पूछा है उन्होंने, पॉइंटर दिए गए में से स्कूलों में से जो हमारा है कौन सा है, वो उसका आंसर है हमारे पास जेड आंसर क्या है, सी पार्ट, जो क्या करता है पॉइंटर वेरिएबल जो नीचे दिए गए, जो मान लीजिए नीचे नहीं जो हमने लिखा है इंट स्टार जेड, उसमें क्या करता है ये बताता है, क्या करता है उसके साथ बताता है कि ये कौन सा पॉइंटर है जब पॉइंटर वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक बात और बहुत ध्यान से आपने याद रखनी है, बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो हमारा प्रश्न है इंट स्टार जेड ये है स्टार, इसको क्यों कहा है हमने, इसको असल में नाम इसका क्या है, पॉइंटर नाम है, क्या है इसका नाम, पॉइंटर। तो विच वन ऑफ दिस द पॉइंटर वेरिएबल, इन्होंने कहा है नीचे दिए गए में से कौन सा जो वेरिएबल है वो पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा सी पार्ट, कौन सा है, जेड, ये हमने करवा दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, डैश जब मान लीजिए सिंपल ही, सिन इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट विच पर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ स्टैंडर्ड स्ट्रीम, स्टैंडर्ड स्ट्रीम जिसे हम डैश स्ट्रीम यहाँ पे लिखा है, तो इन्होंने कहा क्या है, सिन इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है, जो सिन है ये हमारा बेसिकली किसका पार्ट है, सी प्लस प्लस का है जो हमारी लैंग्वेज है, तो सी सिन इज अ प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्या कहा उन्होंने, जो प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो पहले ही डिफाइंड किया हुआ है, जो क्या कॉरस्पॉन्ड करता है, जो स्टैंडर्ड स्ट्रीम को कॉरस्पॉन्ड करता है, क्या कौन करता है, हमारा जो इसका प्रश्न है डैश में है वो हमारा वो करता है इनपुट पार्ट, क्या करता है, एक मिनट, हाँ जी, वो कौन करता है हमारे पास, इनपुट पार्ट जो है हमारा क्या करता है, सिन को परफॉर्म भी करता है और कॉरस्पॉन्ड्स को स्टार्ट, जहाँ हम मान लीजिए कॉरस्पॉन्डेंस को स्टैंडर्ड डैश स्ट्रीम में करता है। तो ये थी हमारी आज की जो 92 क्वेश्चंस आज के हमारे पार्ट जो हमारा 6 है इसमें आपके कंप्लीट हो रहे हैं, और जो हमारी आगे स्लाइड जाएगी इनमें और कुछ पार्ट्स बनेंगे, तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स के रिलेटेड जहां हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं वो अगर आप कुछ मिस ना कर पाएँ, तो हमारे एग्ज़ाम जो हमारा है चैप्टर वो है हमारा चैप्टर वाइज जो हम करवा रहे हैं उनका बहुत अच्छे से हम आपको करवाएंगे, तो आप कुछ भी मिस ना करें, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी जब भी वीडियो आए तो हम आपको साथ के साथ क्लियर कर दें और फीस आपकी जमा कर दें। और नेक्स्ट आता है हमारे पास जैसे मान लीजिए, हाँ जी, तो इसके लिए आपने एक और काम करना है जी, 92 क्वेश्चन है ये हमारा है 81 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले जो 80 हैं क्वेश्चन हमारी जो प्लेलिस्ट है हम नीचे आपका लिंक उसका डाल देंगे, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। और हमारे जो चैनल पे नए आए हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल का नाम RS Learners है, और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।